अरे वाह यार, क्या बात है। तो फाइनली लाइव स्टार्ट हो गया है और बहुत शानदार लग रहा है यार मुझे। मतलब इतने टाइम बाद अपन लाइव कर रहे हैं ना, मेरे को बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी यार तुम सबसे बात करने की इतने टाइम से। अभी आ जाओ तुम, धीरे धीरे लाइव आ जाओ, थोड़ा जल्दी भी आ जाओगे तो भी चलेगा। तो पाप्या वैद्य का आया हूँ फर्स्ट। हाय हाय पाप्या वैद्य, हाय मुस्कान गोयल, हेलो ऋषिका गुप्ता, हाय अमितेश कुमार, हाय तान्या गिरी, हेलो पीओ मैक प्रतोय। पापे कह रहे मिस यू सो मच, बस आ गया ना देखो मैं। शीला शर्मा कह रही हेलो प्यारे, हेलो प्यारी। नहीं पापे आप मिस नहीं करने का, मैं आ गया ना यहाँ पे यार। हाय ऋषिका गुप्ता, हाय हरिता शाह, थैंक यू हरिता शाह। हरिता हरिता ने कहा हैंडसम हीरो ऐसा, थैंक यू यार। सनी पांडे, हेलो मोहित भाई, आई लव यू, आई लव यू टू सनी भाई। श्वेता श्वेता चंडेल कह रही है हाय मोहित, हाय श्वेता। तेंजिंग नॉर्जम कह रहे हैं मेजर मिसेज लव्या, आई लव यू टू तिनजिंग। अमन कह रहे हैं हेलो भाई, यू सिंगिंग सो लविंग, थैंक यू यार अमन भाई। मुदलेर दीपिका बाला सुब्रीमियम सुब्रमण्यम ने कहा हेलो मोहित, हाय दीपिका। देवांग शांख लगे रहे हाय कपकेक, हाय देवांग। नरेंद्र सिंह तंवर कह रहे हैं मिस यू सो मच फॉर एवर। बस भाई मैं आ गया ना यहाँ पे तुम सबके लिए, अब मिस नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। आंचल सिन्हा कह रही है हेलो लव, हाय आंचल सिन्हा, थैंक यू। ऋषिका 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 गुप्ता, ऋषिका ने कहा यू लुकिंग क्यूट, थैंक यू ऋषिका। अंकित ने कह रही लव फ्रॉम दिल्ली, कपकी की लाइंस ब्रो एक। कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तो मेरा कप केक है। दिया दिया पॉल कह रही योर स्टाइल इज टू गुड फॉर सिंगिंग, थैंक यू दिया। प्रिया काजू मिश्रा, अरे यार इसका नाम ही बड़ा प्यारा है, काजू मिश्रा बता। हाय मोहित भैया, आपको पता है मैं मासी बन गई, मेरे घर एक प्यारी सी बेबी आई है, कॉन्ग्रेचुलेशन यार काजू, ये तो बहुत शानदार खबर सुनाई तूने हम सबको। और अन्वेषा सिन्हा कह रहे हाय हाय अन्वेषा सिन्हा, हेलो हर्ष दार जी। मुस्कान पूछ रही गिफ्ट कैसा लगा मोहित, आई लव यू, जल्दी आ जाओ वापस सिलीगुड़ी, इंतजार है। हाँ बहुत बहुत ही प्यारा गिफ्ट था आपका मुस्कान, मुझे बहुत पसंद आया। आपने जो ग्रीटिंग कार्ड भेजा था, जो आपने डायरी मुझे सेंड करी, वो टेडी बियर, वो सब बहुत बहुत प्यारे थे। और है ना महाश्वेता को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कहना इस बात का। तो हुआ क्या था, मैं सिलीगुड़ी 3 दिसंबर को गया था लास्ट, मतलब लास्ट संडे। तो इस वजह सिलीगुड़ी में ना मेरा एक इवेंट था, तो वेडिंग थी अंकित और अंजलि की। तो उस वेडिंग इवेंट में मैं परफॉर्म करने गया था वहाँ पे सिलीगुड़ी। और जब मैं, बहुत ही शानदार इवेंट हुआ, पहले तो मैं बता रहा हूँ तुमको, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे। और उसके बाद में फिर मुझे एयरपोर्ट पे मुस्कान और महाश्वेता मिली, जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग वापस मुंबई रिटर्न आ रहा था। तो वहाँ पे इन दोनों ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए, और मतलब बहुत अच्छा लगा इन दोनों से मिलके। और फिर लेकिन इस वजह से ना मैं, क्या है, लास्ट संडे में सिलीगुड़ी में था, मेरा इवेंट था, तो इस वजह से अपन लाइव चैट पे नहीं आ पाए यार। नहीं तो मैं, तुम जानते हो मैं आता ही आता हूँ। फिर हुआ क्या, अच्छा मेरे को ना एक अच्छा लगता है, मतलब मैं 8 या 9 ईयर से मैं मतलब ठंडे पानी से ही नहाता हूँ, मतलब जब भी नहाता। हाँ तो है ना मेरी क्या ये आदत है, मैं गीजर से, मैं हुआ क्या था, मतलब जब आज से 9-10 साल पहले है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा ऐसा हुआ था, मतलब हम सब न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में हर जगह ग्लोबल वार्मिंग बहुत पढ़ते थे। तो है ना मैंने सोचा यार अब क्या करें, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अपना अपन कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं गाड़ी तो चलाता हूँ नहीं, साइकिल से जाता हूँ स्कूल,
वो तो चलो अपना फंडा बच गया। इलेक्ट्रिसिटी किसमें सबसे ज़्यादा खर्च होती है? तो मुझे पता चला गीजर चलाने से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। तो आज से मैं ये करता हूँ, आज से मैं गीजर से नहीं नहाऊंगा मैं, मतलब गीजर से नहीं नहाऊंगा, गर्म पानी नहीं करूंगा मैं, ठंडे पानी से नहा लूंगा। पहले के लोग भी तो नहाते थे, साधु लोग और जो योग करते थे, ध्यान करते थे, उनके पास इतनी पावर थी, इतनी इम्यूनिटी थी, मेरी भी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ऐसा करके फिर मैंने तब से गीजर से नहाना छोड़ दिया था। तब हुआ क्या, मुंबई में रहते हुए हो गया मुझे बहुत सारा टाइम, और सिलीगुड़ी मैं गया था 3 दिसंबर को। वहाँ भी मैंने कहा मैं तो भाई गर्म पानी से नहीं नहाऊंगा, मैं तो ठंडे पानी से ही नहाऊंगा। और फिर वहाँ पे भाई, अब सिलीगुड़ी जैसी जगह है जहाँ पे 3 दिसंबर, दिसंबर का महीना चल रहा है, इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा वो जगह, पर फिर भी मैंने कहा नहीं मैं तो नहाऊंगा तो ठंडे पानी से ही नहाऊंगा। और मैंने भाई चलो हर हर गंगे और शुरू हुए अपन। और फिर उसके बाद शो तो शानदार हुआ, पर जब मैं वापस मुंबई रिटर्न आया ना, तो मेरा गला एकदम पकड़ गया, मतलब एकदम थोड़ा सा चोक हो गया, उसमें जुकाम लग गई। और फिर इस वजह से मैं मंडे को भी लाइव चैट नहीं कर पाया, फिर ट्यूसडे को भी मैंने रेस्ट ही किया, ऐसे करते करते तो थोड़ा धीरे धीरे फिर रिकवर हुआ। लेकिन अभी भी तुम्हारा मोहित हार नहीं मानेगा, तो मैं करूँगा तो अभी मैं तो ठंडा पानी यूज़ करूँगा भाई साहब। अपन अपने जो एक बार ठान लिया वो करके रहते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाते हैं। हाँ तो मैं कहानी बताते बताते ना कमेंट पढ़ना भूल गया, तो अभी बहुत सारे हंसने के वो आ रहे मोटाइकन। अच्छा बहुत हंसी आ रही है तुमको, आफरीन साना कह रही नहाते कब है, अब जब जरूरत लगती है तब नहा लेते यार आफरीन। निष्ठा चौधरी कह रहे हैं आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो एम जी, थैंक यू यार निष्ठा, बताओ कभी कभी स्मार्ट लग जाते हैं अपन भी। रीमा शर्मा कह रही योर स्माइल सो क्यूट एंड योर वॉइस ऑसम, थैंक यू यार रीमा, थैंक यू। मेघा अग्रवाल कह रहे हैं हाय और रो रही हूँ, क्यों भाई मेघा क्या हुआ, क्या हुआ तेरे को, रो क्यों रही है। वीना पायक कह रही हे यू सो स्वीट, थैंक यू यार। राजपूत शफू कह रही हैं वी ऑल लव यू आर वेरी ओन स्टोरी टेलर, अरे थैंक यू यार। अच्छा ये तो देखो मेरी बात हुई, और अच्छा मेरी बात भी अभी पूरी कर रही है। अरे अपना कल इतना शानदार इवेंट था, पता है कल अपना इवेंट था यहाँ मुंबई में ही, और है ना अपने जयपुर के लोग थे उस इवेंट में, तो है ना गौरव और सोनाली का एक प्राइवेट इवेंट था, उनकी हाउस वार्मिंग पार्टी थी वहाँ पे, तो वहाँ पूरी फैमिली गैदर हुई थी उनकी, और वहाँ पे हम सब ने साथ में खूब सारा गाने गाए, खूब सारा डांस किया, बहुत मज़े किए। वो भी बहुत बहुत ही शानदार इवेंट गया हमारा कल का, तो है ना बड़ा मज़ा आया यार उसमें भी। और अरे स्वाति जायसवाल कह रही है बिल्कुल मैं भी ठंडे पानी से ही नहाती हूँ, अच्छा स्वाति बढ़िया यार, चलो हाँ हम मिल के ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करेंगे। ऐसा हो सकता है यार, छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, तो अपन सब मिलके मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस वर्ल्ड को, अपने एनवायरनमेंट को, लोगों को, छोटी छोटी चीज़ें करते ही बहुत कुछ कर सकते हैं हम। तो सुनीत ड्रमर कह रहे हैं हेलो भाई, हेलो सुनीत भाई। तो सुनीत जो ड्रमर जिनका कमेंट आया है वो हम साथ में परफॉर्म करते हैं, तो मेरे ज़्यादातर जितने भी शोज होते हैं उनमें सुनीत मेरे साथ में ट्रैवल करते हैं, और वो ही ड्रम्स प्ले करते हैं मेरे बैंड में। तो अभी हमारा साथ में शो है 31 को, अरे हाँ याद आया इसी बात से, जो 31 दिसंबर है ना उसको, उस दिन अपना शो है उदयपुर में। अब उदयपुर तुम सोचोगे उदयपुर, मोहित तो जयपुर का है, नहीं मोहित आधा उदयपुर का है, क्यों, क्योंकि मैं मतलब मेरे डैड तो जयपुर के और मम्मी उदयपुर की, तो हमारी जिंदगी तो बीतती थी जयपुर में, पर गर्मियों की छुट्टियां बीतती थी नाना नानी के घर पे उदयपुर में। तो अपना उदयपुर में इवेंट है, इवेंट का नाम है द काउंटिंग क्लॉक। तो अगर कोई उदयपुर से है क्या, कोई उदयपुर उदयपुर से है अगर कोई तो कमेंट करो, या फिर अगर तुम्हारा कोई दोस्त है उदयपुर का तो उसे अभी के अभी टैग करो कमेंट्स में, मैं चाहता हूँ कि वो ये वीडियो देखे, क्योंकि अपना उदयपुर में शो होने वाला है। उदयपुर से कोई है क्या तुम में से, कोई है तो बताओ कमेंट करो यार। उदयपुर में 31 दिसंबर को शो है अपना, मस्त कॉन्सर्ट होगी बढ़िया सी, उसका इवेंट का नाम भी शानदार है द काउंटिंग क्लॉक, मतलब काउंट करते ना क्लॉक ऐसे टक 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 12 बज गए चलो पार्टी पार्टी पार्टी, तो इस तरह से है। तो मुझे
किसी का कमेंट नहीं आया उदयपुर से, कोई है कि नहीं है? चलो अगर अगर तुम में से कोई उदयपुर से नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारा कोई दोस्त उदयपुर का है तो उसको कमेंट में टैग कर देना, वो देख लेगा, इवेंट में आ जाएंगे, अपन सब मिलेंगे, साथ में गाएंगे, मस्ती करेंगे और क्या। तो 31 दिसंबर को उदयपुर में द काउंटिंग क्लॉक, ओके। अरे प्रकाश चौधरी कह रहे मैं हूँ, प्रकाश भाई आप उदयपुर से हो तो आपको तो पक्का आना ही पड़ेगा भाई, मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा, अपना पहला शो है उदयपुर में तो मजे करेंगे यार। वैभव अमीटा कह रहे वेलकम टू उदयपुर मोहित भाई। अच्छा वैभव अमीटा भी शायद उदयपुर से हैं, तो वैभव भाई तुमको भी आना है। लो भाई दो तो अपने लोग मिल गए फैमिली के जो अपने वहाँ उदयपुर के ही हैं, शानदार। मेरे नाना नानी भी उदयपुर ही रहते हैं, मेरे अट्टू मामा, पप्पू मामा, मेरे मतलब पूरी फैमिली मम्मी साइड की। नेहा सिंह कह रही है हाँ आई एम फ्रॉम उदयपुर। अरे वाह नेहा यार, ये तो शानदार चीज है यार, बढ़िया। तो 31 तो साथ में सेलिब्रेट करने वाले हैं अपन सब। पापिया वैद्य कह रही है एक पोयम सुना दो प्लीज प्लीज। पोयम सुना दूं? ठीक है, तो ये पोयम जो है ना मैंने तुम्हें लास्ट, रचित गढ़िया कह रहे मैं हूं उदयपुर से, क्या बात है रचित, तो आपको भी शो में आना है, शो का नाम है द काउंटिंग क्लॉक, 31 दिसंबर को ये उदयपुर में होने वाला है। और हाँ तो मैं तुमको एक पोएम सुनाता हूँ। तो ऐसा क्या था, मैंने तुमको शायद बताया होगा, मैंने ना ऐसा प्लान किया है, मेरे को ना बहुत सारा टाइम हो गया ऐसे पोइट्री लिखते हुए, जब मैं 9th-10th में था ना तब से मैं पोइट्री लिखता था, तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे लिखना, बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे पोइट्री से। तो अपना जो वही सॉन्ग आने वाला है ना, वही स्टोरी सॉन्ग के बारे में मैंने पोस्ट किया था, तो उसकी जो पोइट्री है वो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने तुमको लास्ट लाइव चैट में उसमें दिखाया तो था लाइव वीडियो में उसकी पोएट्री, पर मैं तुम्हें वो बोल के सुनाना चाहता हूँ। तो कैसी है कि खुशियों की दोपहर में न जाने कैसा गम था, सब ज्यादा ही तो था बस वो ही कम था, कमी उसकी पल पल खल रही थी, बेताबी वजह से मिलने बड़ा मचल रही थी, फिर खुली आंखों में खाब बन के वो गई दिखा के दिल ले जा रही लिखा के। तो कैसा कि मतलब आई होप तुम्हें ये पोएम अच्छी लगी होगी, पर मैं इसका मतलब भी तुमको समझाना चाहता हूँ कि ये किस फील से मैंने लिखी थी, कि खुशियों की दोपहर में न जाने कैसा गम था, कि उस दोपहर में बहुत खुशियां तो थीं पर कुछ गम था, कैसा गम था, सब ज्यादा ही तो था, सब कुछ ज्यादा था बस वो ही कम था, और कमी उसकी कुछ ऐसी खल रही थी कि बेताबी, बेताबी होती है ना अपनी एंग्जाइटी, पता नहीं बेताबी को इंग्लिश में ही कहते हैं क्या, इन बेताबी वजह से मिलने, बेताबी अपनी वजह से मिलने, कि उस बेताबी की वजह क्या है, बेताबी तो यहाँ है और उसकी वजह वहाँ है, वहाँ तो बेताबी अपनी वजह से मिलने बड़ा मचल रही थी, फिर खुली आंखों में खाब बन के ख्वाब बन के वो गई दिखा के दिल ले जा रही हूँ लिखा के। तो ऐसा मतलब वही जो अपना सॉन्ग है उसका पोएट्री शुरुआत की ऐसी है, और उसका वो इसीलिए गाना बना था, मतलब इसीलिए लिख पाया था, क्योंकि मुझे ना मतलब किसी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, और ऐसा लग रहा सब कुछ हैप्पी हैप्पी सा तो है यार, पर फिर भी कुछ कुछ तो कम है, और वो कम वही था जिस जिस पर्सन की याद आ रही थी। तो ऐसा लगा मुझे एकदम से कि उसी ने आकर मुझे कहा है कि तू यहाँ हो या ना हो तेरा दिल तो वहीं है वहीं। तो फिर मैं अपने रूम में गया अलग से मेरे सारे दोस्तों को छोड़ के, और फिर मैंने ये सॉन्ग लिखा वहीं, दिल तो वहीं है वहीं। इसकी लाइन सुनाऊं क्या तुमको, मतलब जो हुक लाइन है जो इस सॉन्ग की, दिल तो वही है वही, गा के सुनाऊं थोड़ा सा।
इसको आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि केरला में हमको शूट करना है। आई होप 20th से 25th दिसंबर की डेट डिसाइड हुई थी, तो जल्दी ही ये सॉन्ग आने वाला है। लेकिन अगर तुमको सुनना है ये सॉन्ग की वो जो दिल तो वही है वही लाइन, तो मैं चाहता हूँ तुम कुछ करो। जैसे लास्ट लाइव चैट में मैंने तुमको ऐसा वो वाव वाला कमेंट करने लिखा था ना, इस बार कुछ और सा कुछ इमोटाइकन यूज करवाना चाहता हूँ मैं तुम सबसे। तो आई वॉन्ट कि तुम दिल, हाँ हार्ट वाला मैं चाहता हूँ। इस पूरी लाइव चैट में अभी सिर्फ हार्ट वाला इमोटाइकन आए तो मैं तुमको दिल तो वही है वही की जो हुक लाइन है वो गाकर सुनाऊंगा, ठीक है? तो लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ हार्ट वाले मतलब इमोटाइकन चाहिए, और मुझे और कोई सा नहीं चाहिए। अगर मुझे हार्ट ही हार्ट दिखते हैं यहाँ पे, दिल ही दिल दिखते हैं एकदम लाइन से भर के, तो मैं तुमको अभी के अभी दिल तो वही है वही की जो हुक लाइन है, जो दिल तो वही है वही, वो गाकर सुनाऊंगा कि कैसी है, ठीक है? तो मुझे दिख रहे हैं, मुझे बहुत सारे हार्ट्स दिख रहे हैं, मुझे और चाहिए, मुझे बहुत सारे हार्ट्स चाहिए। और पापिया कह रही हाँ सुना दो, स्वाति जायसवाल भी कह रही है हाँ हाँ सुनना है। तो आई थिंक काफी सारे हार्ट्स आ गए हैं और आप सब भी रेडी हैं, मैं भी रेडी हूं। तो मैं आपको सुनाता हूँ कि वहीं की ये जो लाइन है वो कैसी साउंड करती है। तो ऐसे कि हाँ मेरा दिल तो वही है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही। एक और बार सुनो। हाँ मेरा दिल तो वही है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही। अब मुझे बताओ कैसा लगा, एकदम सच सच बताना कैसा कैसा लगा ये छोटा सा जो मैंने तुम्हें सुनाया। अब अभिजीत पावा ने ऐसे कहा हा 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 ईशी शी और दिल 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 दिल। कन्हैया सोनी कह रहे थोड़ी टिप्स दो मेरे भाई सॉन्ग बनाने की। कन्हैया सोनी है, अरे यार ये तो मैं कैसे दे दूँ बताओ, मैं खुद ही सीख रहा हूँ गाने बनाना, तो मैं तो क्या ही टिप्स दे सकता हूँ आपको। और प्रीति पांडे कह रही सुपर, अरे वाह यार थैंक यू। उशेशी उशोशी कह रही मेरा दिल तो यही है यही, अरे वाह यार। निकिता गुहे कह रहे वही है वही। तानी कह रही अब वेट नहीं किया जाता और, अरे वाह यार। रितिका मित्तल कह रही अमेजिंग फैबुलस थैंक यू। पाप्या बैठी कह रही उफ मार डाला, अरे यार थैंक यू। मैक कह रहे हैं भैया रीले तुम सब कुछ हो, अरे यार थैंक यू भाई। निकिता को कह रहे हो बहुत बहुत प्यारा, थैंक यू निकिता यार। शीला शर्मा कह रही है प्यारा प्यारा प्यारा, अरे वाह थैंक यू। क्रिमल आचार्य कह रहे हैं हा हा ऑसम, थैंक यू क्रिनल क्रिमल। महेश श्वेता सेन कह रहे बहुत अच्छा है मोहित, आई लव यू टू यार, वाह। शीला कह रही है शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, थैंक यू शीला। मतलब तुम सबको पसंद आया यार, चलो आई एम वेरी हैप्पी। तो अभी है ना बस इस सॉन्ग पे ही वर्क चल रहा है पूरा अच्छे से, और इसका वीडियो शूट पर ही हम कोशिश कर जल्दी जल्दी करने का। सलोनी जैन कह रहे वेटिंग फॉर द फुल सॉन्ग, बिल्कुल सलोनी कीप वेटिंग। मैं आपको ज़्यादा वेट कराने की मेरी इच्छा नहीं है, जल्दी से इसका शूट शुरू होने वाला है दिसंबर में ही, तो आई होप जल्दी से आप सबको ये पूरा का पूरा सॉन्ग सुनने को मिले। आफरीन साना कह रहे हाँ वहीं जहाँ आप वहीं है वहीं, अरे वाह यार। प्रीति पांडे कह रहे थैंक यू मोहित मेरा नेम लेने के लिए, लव यू डियर, थैंक यू, योर वेलकम यार। प्रशांत नायक कह रहे भाई तेरा ना डाडी और मुझे बहुत मानता है तेरे को, बहुत मनता है तेरे को, ऐसा लगता है शायद वो कह रहे हैं बहुत अच्छा लगता है तुझको तुझ पे शायद।
सबीता व्रधन कह रहे ऋतुराज मोहंती योर फ्रेंड इन रॉस्टार इज माय मामा जी एंड ही टेल्स मेनी थिंग्स अबाउट यू। अरे यार क्या बात है, मेरी जाने माने ऋतुराज तो यार क्या कहूँ मैं उसके लिए। मतलब उससे शायद उससे प्यारा इंसान, उससे खूबसूरत सोल शायद ही मतलब दुनिया में ऐसी ऐसी रूह होगी जो ऋतुराज की है। तो वो तो मेरा हमेशा से फेवरेट, हमेशा से मेरा क्या कहूँ, मतलब उसके बारे में तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मतलब ऋतुराज क्या है मेरे लिए लाइफ में, और वो किस तरह का इंसान है, वो कितना अमेजिंग इंसान है, वो मैं आपको शब्दों में शायद बता नहीं सकता हूँ। और मेरा प्यार ही है जो उसके लिए है, और तो मैं क्या दे सकता हूँ, ना मैं वर्ड्स दे सकता हूँ ना मैं कुछ और कर सकता हूँ उसके लिए, लेकिन मेरा प्यार ही है जो उसके लिए है। तो ऋतुराज तो क्या यार, उसकी तो तुम बात ही कर दोगे ना तो मैं अलग फील आ जाती है मेरे दिल में। बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ मैं उसकी, वो एज एन आर्टिस्ट एज एन इंसान वो बहुत ही प्यारा है। मतलब हाँ, तो अभी सुरभि राठौर कह रही है लव योर बियर्ड एंड मुस्टैचेस। थैंक यू सुरभि, थैंक यू यार। पृथ्वीराज मलिक कह रहे हैं यार फेवरेट सिंगर ऋतुराज मेरा विलेज का है। अरे वाह यार क्या बात है। और अविन अनंत काने कह रहे हाय ब्रो जस्ट लव योर सॉन्ग वेरी हार्ट टचिंग होप टू सी यू लाइव सून। श्योरली अविन, और है ना अगर आपको लाइव मुझे देखना है तो मैं अभी जयपुर में, मेरा 16th को टेट टॉक भी है। टेट टॉक आप सब शायद जानते हो, वहाँ पे मतलब बहुत बहुत ही अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आते हैं अपनी अपनी इंस्पिरेशनल कुछ स्टोरी कुछ भी अपनी चीज़ें बताते हैं सुनाते हैं। तो टेट टॉक इस बार जयपुर में हो रहा है सेंट एडमंड्स मालवीय नगर स्कूल में, तो वहाँ पे मैं भी इनवाइटेड हूँ एज अ स्पीकर। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ जयपुर में 16th ऑफ दिसंबर को, और 31 दिसंबर को तो अपना शो है ही उदयपुर में, तो आप वहाँ पे मिल सकते हैं अगर आप आना चाहें तो आ सकते हो। तो अरे मुझे एक बहुत शानदार सा कमेंट भेजा राजा उरान ने, विच डिश यू लाइक टू ईट, फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू इन मास्टर शेफ इंडिया। अच्छा राजा उरान, मुझे ना दाल बाटी बहुत फेवरेट है मेरी यार, और बचपन से मुझे जैम बहुत पसंद है, तो जैम से बनी हुई कोई भी डिश भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं अभी भी जब मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और मेरा पसंद का कुछ नहीं बनाता, मैं तो ब्रेड बटर जैम खा लेता हूँ, मतलब मेरे को बहुत पसंद है जैम। तो यार सच बताऊँ तो मेरा अभी जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर अभी मुझे ना जाना पड़ेगा। मैं अभी भी फुली तरह से रिकवर नहीं हुआ, मेरा गला अभी भी थोड़ा थोड़ा वो सिलीगुड़ी की सर्दी बाकी है अभी भी। तो लेकिन मैं नेक्स्ट नेक्स्ट लाइव चैट पे ज़रूर आप सबसे मिलूंगा। नेक्स्ट लाइव चैट हर हर संडे को अपनी पूरी कोशिश रहती है लाइव चैट पे आने की, 9 PM 9 बजे, और आई होप कि मैं आप सबको नेक्स्ट लाइव चैट पे ज़रूर मिलूँ। मतलब आप सब भी मुझे मिलो और मैं भी आपको मिलूँ, ऐसा नहीं मिलूंगा तो मैं अगले दिन कोशिश करूंगा लाइव आने की। पर तब तक के लिए प्लीज ध्यान रखना यार, एंड मैं क्या कहूँ यार, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ तुम सबको कि तुम सब मेरी लाइफ में हो, और मैं और कुछ तुमको उससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, मैं जितना हूँ उतना दे सकता हूँ। आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग इन माई लाइफ। तो प्लीज़ टेक केयर, एंड नेक्स्ट लाइव चैट में मिलते हैं। 16 दिसंबर को जयपुर में मिल सकते हैं, और 31 दिसंबर को उदयपुर में। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, आई लव यू, बाय बाय। आई लव यू बोल दो पहले यार, फिर जाऊंगा मैं। आई लव यू सुने बिना नहीं जाऊंगा, देखो अब बोल दो यार, ऐसे ही बोल दो तुम। झूठ मूठ का भी बोल सकते हो, असली भी का बोलोगे तो फील आती है, मुझे पता चल जाता है तुम्हारे वर्ड्स में लिख के, जैसे पाप्या वैद्य लव यू बोलती है जिस तरह से। अरे वाह, आई लव यू टू पाप्या। श्रद्धा पारगी कह रहे टेक केयर ऑफ यू श्योरली। श्वेता तिपनेस कह रहे बाय एंड टेक केयर गेट वेल सून। थैंक यू श्वेता। निकिता गोहे कह रहे लव यू, आई लव यू टू निकिता। तान्या गिरी कह रहे लव यू हाय। हाँ ऐसा प्यार भरा गुड बाय होना चाहिए अपना। तो मिलते हैं जल्दी, ठीक है, बाय।